So hi guys, namaste and welcome back to my channel. I'm Swati and you are on my YouTube channel Home Lifestyle. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो फिर चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी इनके हायरिंग प्रोसेस से. इनका हायरिंग प्रोसेस हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है. जैसे कॉन्सेंट्रिक्स में चैट प्रोसेस भी है, वॉइस प्रोसेस भी है और ईमेल प्रोसेस भी होते हैं. तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो मैंने एज अ चैट प्रोसेस में ज्वाइन की थी. तो मैंने अप्लाई किया था आई थिंक इंडीड या naukri.com के थ्रू मैंने अप्लाई किया था. फिर मेरे को ईमेल आईडी पे एक लिंक आया था और उस लिंक पे क्लिक करके मुझे जो फॉर्म था वो सबमिट करना था. तो मैंने लिंक पे क्लिक किया एंड उस पर काफ़ी सारी डिटेल्स थी, लाइक योर ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट डिटेल, आधार नंबर एंड ऑल. तो वो सब मैंने फिल करके भेज दिया. तो जैसे ही मैंने उसको फिल करके सबमिट किया, मेरे पास एक और ईमेल आई कि विद इन 24 आवर्स आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा. तो 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरे पास एक और ईमेल आई जिसमें मेरे को लिंक भेजा गया MCAT एग्जाम के लिए. तो जो फर्स्ट चीज़ आपको क्लियर करनी होती है हायरिंग के लिए वो होती है इनका वो MCAT का एग्जाम. तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, उसमें थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत मैथ्स के थे और थोड़े बहुत रीजनिंग था. तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन था, मैथ्स इंग्लिश एंड रीजनिंग का. तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, ईजिली हो जाता है वो क्लियर. तो मैंने वो दिया. फिर जैसे ही मैंने MCAT अपना कंप्लीट किया एग्जाम और मैंने सबमिट किया तो मेरे पास ईमेल आया कि आपको विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट किया जाएगा फिर से. तो फिर मेरे पास एचआर का कॉल आया. तो उस टाइम सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था क्योंकि कोविड का टाइम था. तो इट माइट पॉसिबल कि अगर आपके पास कॉल आए तो आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग कंपनी में बुलाएं. बट मेरा तो उस गूगल मीट के थ्रू ही हुआ था सारा हायरिंग का. तो फिर मेरे पास एचआर का वो आया इंटरव्यू के लिए इनविटेशन, जो इनविटेशन लिंक आता है. तो मैंने वो करा एक्सेप्ट और उसके बाद इंटरव्यू दिया. तो उसमें फर्स्ट स्टेप तो वही हो गया कि आपको MCAT का एग्जाम देना. वंस वो क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड चीज़ होती है कि आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है एचआर के साथ, जिसमें वो आपके साथ डिस्कस करेगा कि आपका पे क्या होगा और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट एंड आपकी हॉलीडेज आपको कितनी मिलेगी. तो वो सब चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और अगर आप उस पर अग्री करते हैं तो आप मूव कर जाएंगे थर्ड स्टेप पे. तो जो थर्ड स्टेप था वो था, क्योंकि मेरा चैट प्रोसेस था तो मेरा आई थिंक टाइपिंग का भी एक एग्जाम हुआ था. तो फिर उसके बाद इस पे चैट प्रोसेस के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड इनकी रिक्वायर्ड थी. तो उसके लिए भी एक असेसमेंट हुआ था तो मैंने वो दिया था. तो वो क्लियर होने के बाद फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, वो मैनेजर के साथ था. तो उस इंटरव्यू में बेसिकली जो सेकंड इंटरव्यू होता है उसमें तो बस ये लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो इस चीज़ में, मतलब नाइट शिफ्ट से कंफर्टेबल हो या मतलब आप जॉब कहाँ रहते हो. तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जॉब करने के लिए कि नहीं. बट फोर्थ जो होता है वो डेडिकेटली एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपको जज किया जाता है कि आप रियली में वर्क करने के कैपेबल हो कि नहीं हो. तो वो ये इंटरव्यू होता है. इस इंटरव्यू में ये लोग ये भी चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड कॉन्सेंट्रिक्स में सिर्फ बोलते हैं कि मतलब कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब लेने के लिए आपके पास कोई टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वन थिंग जो रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. वो ही चेक करते हैं. तो इसमें फोर्थ वाले इंटरव्यू में वो वही चेक करेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. तो जब आप ये क्लियर कर लेंगे चारों, फिर उसके बाद एक और हुआ था. हाँ, तो क्योंकि मेरा चैट प्रोसेस था तो फिर हमें ये सारे तो मेरे घर पे ही हुए थे क्योंकि उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. तो फिफ्थ वाला जब असेसमेंट होना था तब हमें कंपनी में बुलवाया गया था. फिफ्थ वाले में क्या होता है, वो चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे से कस्टमर के साथ चैट को हैंडल कर सकते हो. तो उसमें वो सिस्टम ऑपरेटेड होता है पूरा. तो उसमें सिस्टम जैसे कोई भी इशू भेजेगा तो उसमें आपको बेस्ट सुटेबल वे में रिप्लाई करना होता है कि आप इस तरीके की क्वेरीज को कैसे हैंडल करोगे. तो वो आप करके चले जाते हो. बाद में 24 आवर्स के अंदर अंदर वो मैनेजर्स चेक करते हैं कि आपने जो रिप्लाई किया है वो सही रिप्लाई है या नहीं है. तो अगर उनको लगता है कि आपने रिप्लाई अच्छा किया है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं. इन 5 चीज़ों के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है. तो ये तो होता है इनका हायरिंग प्रोसेस.
सो जो नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी वो है सैलरी. तो मैंने जब कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन किया था तो मुझे ऑफर किया गया था इन हैंड पे 16,000 का. तो 16,000 रुपये इन हैंड मेरे को मिलते थे, वो बिना इंसेंटिव बिना किसी चीज़ के थे, सिर्फ जो इन हैंड मिलता था. तो जब मैंने ज्वाइन किया तो 3 महीने तो हमारी ट्रेनिंग ही चली थी. जो तो जितना टाइम ट्रेनिंग चली थी तो उस टाइम तो आपको इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो जितना आपका पे होता है बस वही आपको मिलता है. तो इनिशियल 3 मंथ्स तो मेरे को सिर्फ उतना ही 16,000 जो मेरा इन हैंड पे था वो मिलता था. एंड उसके बाद जब 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जब धीरे धीरे हम लोग प्रोडक्शन में आए तो प्रोडक्शन में फिर इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हुआ. इनिशियली जो फर्स्ट मंथ था उसमें शायद मेरे को 3,000 का इंसेंटिव मिला था, फिर ऐसे ही कभी 3,000, फिर 4,000, 5,000. तो जनरली जो इंसेंटिव होता था वो ये था कि 4,000 से 8-9,000 के बीच में रहता था. तो इतना इंसेंटिव मेरे को मंथली मिल जाता था बाद में. और एक चीज़ और, अगर जो कंपनी से कैब फैसिलिटी मिलती है अगर आप उसको ड्रॉप करते हो तो आपको ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो काफ़ी सारे लोग जो दिल्ली के बाहर के हैं और वो रूम रेंट पे लेके रहते हैं तो वो लोग क्या करते थे, वो गुड़गांव में जहाँ कंपनी है उसके आसपास ही रूम लेके रहते थे तो वो कंपनी की कैब नहीं यूज़ करते थे, वो लोग बाइक से ही आ जाते थे अपनी. तो उनको 5,000 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा देती थी क्योंकि वो कैब फैसिलिटी नहीं यूज़ कर रहे थे. बट अगर आप यूज़ करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी. तो ये था इसकी सैलरी से रिलेटेड. अब अगर हम कॉन्सेंट्रिक्स में ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इनकी काफ़ी अच्छी चलती है. अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे वर्क हैंडल करेंगे या कैसे चीज़ें करेंगे. वो डेडिकेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग देंगे और बिल्कुल एक्सपर्ट कर देंगे उस काम के लिए. तो वो चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी रहती है. तो अब हम बात करें अगर फैसिलिटीज़ के बारे में कि कंपनी से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं. तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो जो फर्स्ट एंड टॉप फैसिलिटी मुझे लगती थी इनकी वो थी कैब की पिकअप एंड ड्रॉप. तो ये आपके डोर स्टेप से आपको पिक करते हैं एंड ड्रॉप करते हैं. एंड जो पिकअप एंड ड्रॉप इनका रहता है इसकी वजह से ये मतलब बहुत सिक्योर हो जाती है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत अच्छी कंपनी हो जाती है. क्योंकि जब मैंने कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन किया था इट वॉज़ माई फर्स्ट जॉब एंड मुझे थोड़ा डर था कि बाहर जाना सेफ्टी पर्पज़ से सेफ होगा कि नहीं होगा. बट कॉन्सेंट्रिक्स में जब आपको कैब आती है छोड़ने तो कैब के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी आता है एंड एक एम्प्लॉई भी होता है आपके साथ जो जॉब करते हैं वो. तो सबसे फर्स्ट जो ड्रॉप करते हैं ये लोग, ये फीमेल स्टाफ का ही करते हैं. तो सिक्योरली सबसे पहले आपको घर पहुंचा देंगे एंड उसके बाद बाकी लोगों का ड्रॉप होता है. तो ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है कि काफ़ी सारे प्रोसेसेस में जो फूड है वो फ्री होता है. तो आप जब कंपनी जाएंगे आपको लंच वगैरह जो फूड होगा ऑफिस से वो फ्री मिलेगा. और अगर हॉलीडेज़ की बात करें तो हॉलीडेज़ भी क्वाइट डिसेंट रहता है. मतलब आपको महीने में आई थिंक 3 हॉलीडेज़ तो मिल जाती है ऑन एन एवरेज. तो सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है एंड उस एंड टॉप ऑफ डैट 3 एडिशनल लीव्स भी मिल जाती हैं. तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है. So yeah guys, this is it from my side. I hope you like this video and if you do like it then please don't forget to like, share and subscribe. I will meet you in my next video. Till then, bye, take care and have a nice day.